है वाह सब गाइज, वेलकम टू एमटेक वायरस। सो मैंने क्या किया है, मैंने सारे डेटा फिल कर दिया है, या आप भी अपने आप कर सकते हो, बट मैंने इस छोटे से पॉज में इसको डेटा को फिल कर लिया है ताकि आपका टाइम मैं काफ़ी बर्बाद ना करूं। तो ऑल दो आप अब तक समझ गए होंगे कि क्या प्रोसेस है। सो अब हम क्या करते हैं, हम पहले इसको सेव कर लेते हैं सो दैट हमें प्रॉब्लम ना हो आगे इस पे काम करने में और हमारा डेटा लॉस ना हो। तो हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे यहाँ से हम सेव एस पे जाएंगे और इसको हम सेव कर सकते हैं। तो आप देखते हो यहाँ पे डाउनलोड्स का मेरे पास एक फोल्डर है, मैं इसको चेंज करके डेस्कटॉप कर देता हूँ। यहाँ मुझे नाम देना होगा वर्कबुक का, तो मैं इसको बोल देता हूँ सपोज माई वर्क बुक। सो माई वर्क बुक नाम से सेव कर लिया। आप इसका फाइल फॉर्मेट देखेंगे तो ये है XLSX, यानी एक्सेल वर्क बुक, जो कि लेटेस्ट वर्जन के लिए इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स लगा हुआ है। यानी पहले क्या होता था, .xls से होता था ये, 2008 या 2007 का कोई बंदा अगर यूज़ करता होगा तो पहले उस फॉर्मेट में फाइल सेव होती थी। तो आप अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे एक्सेल होते हैं। तो आप सोच रहे होगे कि अगर आपको ऐसे बंदे को फाइल भेजनी है जिसके पास एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा, ओल्ड होगा, तो आपको इसका फाइल फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। आप ये देख सकते हो, आप एक्सेल 97 to 2004 वाले एक्सेल में आप इसको कन्वर्ट करके भेज सकते हो। इसके अलावा आपके पास CSV फाइल फॉर्मेट है, जिसको आप बोलते हो, जिसको आप यूज़ करते हो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। उसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं, आप इसको PDF में सेव कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको XLSX में ही, जो कि लेटेस्ट फॉर्मेट है, उसमें सेव कर देता हूँ। अब आप क्या कर सकते हो, आप जितनी बार भी इसमें कुछ चेंजेस करोगे तो आप यहाँ से डायरेक्टली इस पर सेव पे क्लिक करके कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो ये था सेविंग का प्रोसेस। यानी सेव करना बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब करना चाहिए टेक्निकली, तो क्यों नहीं सेव करें, वो चीज़ होती है। सो ये इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हो और सो दैट आपका डेटा लॉस ना हो। आगे हम नई नई चीज़ें और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।